तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन पे। घड़ी में बजी है 6:30 ना, 6:30 तो नहीं हुई होगी, मेरी क्लास छुट्टी थी 6 o'clock, और 15 मिनट में मैंने सफाई वगैरह करके आ गई, तो हुआ होगा घड़ी में 6:20। और शुरू करते हैं हमारे गार्डन के कुछ कुछ काम, जैसा कि मैं करती रहती हूँ। और एक और चीज़ देख रही थी, कहाँ गई, चलो ठीक है, गार्डन के कुछ कुछ काम और क्या क्या काम करेंगे वो आपके साथ में करेंगे शेयर, और कुछ कुछ जो फूल वगैरह खिले हैं वो आपके साथ में करते हैं सारे शेयर। रजनीगंधा का रिव्यू आपको देते हैं कि कैसा क्या रहा, रिव्यू देने के बाद, रिव्यू नहीं, दिखाती हूँ कि कितने क्या ग्रो किए, सारे ही प्लांट्स एक बार दिखा दूँगी, उसके बाद कुछ कुछ नया काम शुरू करूँगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है, शुरू करते हैं। तो ये है हमारे छोटे से टेरेस गार्डन का एंट्रेंस, एंट्रेंस नहीं रे यार, वो वाला पार्ट जहाँ मेरे इंडोर प्लांट्स रहते हैं। ये देखो, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मगर बार बार इसलिए बताती हूँ कि जैसे कोई नया कोई जुड़ा हो मेरे चैनल पे या कोई किसी ने मेरी वीडियो देखी, इसलिए मैं बताती रहती हूँ। क्योंकि ये सारी कटिंग्स हैं जो मैंने इस तरीके से यहाँ बचा के रखी है चंपा की। देखो ग्रोथ हो ही जा रही है इसकी, नई नई अच्छी अच्छी ग्रोथ हो रही है चंपा के। तो इस तरीके से चंपा आप कटिंग के थ्रू इस सीज़न में लगा सकते हैं। देखो मेरी सारी ये, इसमें ये वाला है ना, ये जो आपको चंपा दिख रहा है ये हाइब्रिड चंपा है, वेलवेट रेड कलर के इसमें फ्लावर्स खिलते हैं। ये नॉर्मल रेड कलर का चंपा है ये वाला, और एक ये वाला, तो तीन चंपा की कटिंग मैंने लगाई थी। देखो तीन क्या, हर की दो लगाई थी, ये भी चल पड़ी, दोनों ही कटिंग चल रही हैं। इसकी भी दो कटिंग लगाई थी, वो भी सक्सेसफुली चल पड़ी है, और इसकी भी लगाई थी दो हाइब्रिड वाले की, दोनों ही सक्सेसफुली चल पड़ी है। और यहाँ मेरे बहुत सारे, मम्मी हे भगवान, पीछे पौधे ना अड़ जाती हूँ मैं उससे। यहाँ मेरे वैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेरे हैं, सक्यूलेंट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो बहुत जल्दी बारिश के पानी से गल जाते हैं, वो सारे प्लांट्स मैंने यहाँ रखे हैं इस तरीके से, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ऐसे। और इससे आगे वाली वीडियोस आप जाके देख लेंगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे मैंने प्लांट्स इस तरीके से बचाए हैं। ये हमारे यहाँ आ जाते हैं रेन लिली सारे के सारे, और वहाँ हमारे सारे फर्न प्लांट आ जाते हैं, फर्न वगैरह ये सारे। देखो अड़ीनी में कितना प्यारा फ्लावर खिल रहा है, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो अड़ियने में कितना प्यारा फूल खिल रहा है, इसका कलर देखो, और उसमें बहुत सारी बर्ड्स भी आ रही है। देखो इधर आ रही है, इधर आ रही है, तीन बर्ड इधर आ रही है, ये फ्लावर तो ब्लूम कर रहा है, इधर आ रहा है ये। और मैंने अड़ीनियम की कटिंग्स भी लगाई है, ये देखो इस तरीके से, इसकी है ना अड़ीनियम की मैंने कटिंग लगाई, अब मैं इसके पीले पत्ते हटा रही हूँ। ये देखो इस तरीके से धीरे से ऐसे हटा देते हैं ऐसे, और ये हाइब्रिड अड़ीनियम की, जब ये कटिंग क्या ग्रो कर जाएगी ना, तब मैं इनको वो बनाऊँगी, वो जो नॉर्मल अड़ीनियम क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल अडेनियम के साथ वो करके नीम मिलाते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल अडेनियम की कटिंग के साथ मिला के वो बनाते हैं ना यार, हाइब्रिड अडेनियम। हाइब्रिड तो ये है ही, मगर इसको नॉर्मल अडेनियम जो देसी वाले अडेनियम में होते हैं ना, उसके साथ मिला के वो नहीं बनाते, कुछ तो बनाते हैं यार वो, इसलिए मैंने उसकी कटिंग ग्रो कर रखी है। उसको किस भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो दोनों अडेनियम जोड़ के, जैसे ये नॉर्मल वाला अडेनियम है, इसमें हाइब्रिड अडेनियम की कटिंग जोड़ के वो बनाते हैं ना, जो भी आप समझ रहे हो वो बनाऊंगी। तो पहले ये कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए, उसके बाद करेंगे वो काम, और अभी नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट बाद वाले सीजन में करेंगे। और देखो यहाँ हमारे जीजी प्लांट भी बढ़िया चल रखे हैं, ये देखो यहाँ मेरे ये सारे जितने भी ये मेरे प्लांट हैं ना, ये जीजी हुए, ये कैक्टस हुए, ये सक्यूलेंट्स हुए, ये अडेनियम हुए, ये वाले अडेनियम के देखो ये कितने अच्छे ग्रोथ कर रही है। देखो ये देखो अडेनियम कितना अच्छे से ग्रोथ करना है मेरा। ये सारे ही प्लांट मैंने इस तरीके से ला के शेड में रखे हैं बारिश से बचाने के लिए, इवन पोथोस वगैरह ये सारे भी इसी तरह, कलेडियम, इन सबको बारिश अच्छी थी चाहिए, तो इनको इस तरह से मैंने बाहर रख रखा है। तो इस तरीके से मेरे पौधों को मैं बचाती हूँ बारिश से। ये भी मंदिर यही क्योंकि मुझे ख़राब होता हुआ लग रहा था, तो इस तरीके से ये सारा हो जाता है। ये हमारा मीठा नीम हो जाता है, और ये हो जाता है नीचे, यहाँ हो जाते हैं, ये इधर हो जाता है, वहाँ मेरे सारे कलंचू की कटिंग है जो मैंने बचाई है। ये देखो इस तरीके से ये ऐसे कलंचू सारे, ये नीचे जितने भी दिख रहे हैं आपको सारे ही हैं मेरे कलंचू, ये सारे नीचे नीचे। बाहर वाले प्लांट्स वो प्लांट्स हो जाते हैं जो बारिश में ग्रो करने चाहिए, मतलब जिन्हें बारिश का पानी मिलना चाहिए और धूप लगनी चाहिए, ये सारे वो प्लांट्स हैं। ये देखो इधर चलते हैं ना, ये सारे वो ही प्लांट्स हैं। उसमें हुए हमारे गुलाब हुए, देखो अब मौसम अच्छा होने लगा ना, गुलाब में कलियाँ आने लग गई, देखो येलो येलो आ रही है, नए नए शूट्स आ रहे गुलाब में। और गुलाब में इस तरीके का कुछ पुराना होना तो इसको आपको कट कर देना, ये देखो इस तरीके से हटा दो, ये तो क्या एनर्जी लेते हैं। अब गुलाब का धीरे धीरे सीज़न आएगा, और तो क्या, ये सारे हमारे इधर हो जाते हैं। और देखो अब ये इसका एमरस लिली का स्टॉक ख़त्म हो गया ना, तो इसको मेरे को कट करना है यहाँ से। इसमें फूल आके ख़त्म हो गया, ये देखो दिख रहा है ना आपको, तो इसको मैं इस तरह से यहाँ से हटा दूँगी, ईजीली कट जाता है ऐसे। और ये पीछे वाला भी एक और स्टॉक खिल रहा है, इसको निकाल के पहले यहाँ रख देती हूँ, एक और स्टॉक
इस तरीके से अब इसमें कोई फूल नहीं खिलेगा, इसीलिए स्टॉक को रखने से कोई मतलब नहीं है। इसको हटा दो जिससे कि हमारी नई ग्रोथ हो जाए। रजनीगंधा के फूल अब खिलने लगे, मतलब स्टॉक में से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई। दिख रहा है आपको इस तरीके से, अब हो जाएगी, दो एक दिन में स्टार्ट हो जाएगी। बाकी सब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ हमारे सारे ही पौधे, ये सारे बाहर जो रखे हैं ना, ये सारे ही धूप वाले हैं, जितने भी हैं ये सारे धूप के हैं, बाहर की तरफ जो रखे हैं। चलो ठीक है, आई रे राम, अब कुछ काम करती हूँ, कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ अच्छे से काम। कुछ सोचा नहीं है मगर कुछ तो करूँगी। गार्डनिंग करते हैं ना तो उसमें रोज़ कुछ ना कुछ काम निकलते हैं। मैं रोज़ सुबह कुछ काम करती हूँ। आज सुबह मैंने क्या काम किया था, कल तो मैंने शाम को लगाया था रियो का प्लांट, ये शाम को लगा के गई थी, और ये मैंने पीस ले लगाया था कल। रियो के कुछ प्लांट इसमें लगाने के बाद बच भी गए थे, वो अभी भी यहाँ रखे हुए हैं। देखो ये इसको भी लगाना है। तो देखो एक मेरा प्लांटर बहुत दिनों से अंगीज पड़ा था, मतलब वो ऐसे ही वेस्ट हो रहा था। हाँ तो देखो एक मेरा प्लांटर बहुत दिनों से ऐसे ही वो पड़ा हुआ था, वेस्ट। वेस्ट क्या कह लो, उसमें बताती हूँ अभी आपको क्या ग्रो किया। वो मैं प्लांटर तो लिया हूँ, यहाँ रखती हूँ, वो कहाँ उग रखा था वो भी आपको बताती हूँ। प्लांटर मैं लाई हूँ ना, वो लगा था हमारे यहाँ इस तरफ, यहाँ मैंने बांध के रखा हुआ था इस तरफ यहाँ। यार अपराजिता अब बढ़ने लगी, देखो अच्छे से। यार ये देखो अभी मैंने इसको हटाया ना, यहाँ भीड़ उग रहा था, इसको भी खींच लेते हैं। वीड निकाल रही हूँ, देखो इस तरीके से उग जाते हैं ना, इसको निकालते रहना चाहिए। और भी एक बार देख लेते हैं कि कुछ कुछ उग तो नहीं रहा है। नहीं है, छोड़ो चलो। आप पराजिता मैं देख रही हूँ यार, देखिए पता ही नहीं चलता। बढ़िया हो रहा है। तो वहाँ एक पौधा था, पौधा के प्लांटर था जो ऐसे ही वेस्ट पड़ा था, ये देखो। और ये काफ़ी बड़ा है, इसमें मैं क्या ग्रो करूँगी आपको बताऊँगी। और इसमें क्या ग्रो हो रखा है ये देखो, पता नहीं क्या क्या ग्रो हो रखा है। तो उसको ले आते हैं और इसको कुछ करेंगे, इसका कुछ काम। तो देखो इस प्लांटर में है तो ये काफ़ी बड़ा, इसमें ये उग रही है ये टर्टल वाइन, इसको मैं निकालूंगी। ये बहुत ज़्यादा मेरे सारे पौधों में उग रखी है, इसलिए मैं इसको अब नहीं उगाऊंगी यार, इतनी अति की उग रखी है हर उसमें। अगर मुझे चाहिए भी होगी ना तो इसकी कटिंग वटिंग मेरे पास बहुत सारी है, और कितना बचाऊँ, इतना सारी जगह होती नहीं हर जगह। इसने किसी ने, एक तो मैंने इसको लगा बहुत सारे उसमें रखा है, और बहुत सारे उसमें ये प्लांटर्स में खुद भी उग गई है। और इधर है हमारी ये 9 o'clock, ये भी निकाल रही हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि 9 o'clock छोटे से छोटे उसमें उग जाते हैं, तो इसके लिए इतना बड़ा ये वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये देखो इतना सारा ये 9 o'clock, 9 o'clock को तो मैं भी लगा के चली जाऊँगी। ये देखो इस तरीके से ये यहाँ से निकाल लेते हैं ये, और ये सारा ये मैंने निकाल दिया है। अब ये मिट्टी हो गई एकदम सही, इसको मैं कुछ छिड़कानी नहीं करूँगी यार, क्योंकि मेरे पास अभी मिट्टी की बहुत वो हो रखी है, किल्लत हो रखी है, किल्लत। मगर इसमें क्या रिवर्स एंड में लाने की ज़रूरत है, तो उसका कुछ तो करेंगे। अभी देखते हैं क्या करते हैं। रिवर्स एंड मेरे पास बड़ी हुई है, उसका कुछ करेंगे। सबसे पहले इसको साइड में रख लेते हैं और इन प्लांट्स आते हैं। इसको तो मैं फेंकूंगी भी नहीं, इसको फेंकने का इन द सेंस ये मतलब है कि मैं कंपोस्ट में डालूंगी। देखो दिखाती हूँ आपको मेरा कंपोस्ट सारा, और यहीं से मेरा ये तैयार होता रहता है। ये देखो ये मेरा सारा भरा हुआ है ना, ये इसमें डाल दूंगी, इसमें डाल देती हूँ। इस तरीके से मैं इसको उसमें डालती रहती हूँ और मेरा कंपोस्ट तैयार होता रहता है। ये देखो खुला ही रहता है यहाँ बारिश में, नीचे मैंने बहुत सारे इसके नीचे होल कर रखे हैं। तो इसको छोड़ते हैं, अब चलते हैं वहाँ। अब सबसे पहले मैं कोशिश 9 o'clock को कहीं ग्रो कर देते हैं यार। इसकी देखो रूट्स वगैरह अच्छी आ रही हैं, और इसका सीज़न भी है, कहाँ लगाऊँ इसको। तो ये 9 o'clock तो सुबह जैसे मैंने लगाया था ना, सेम उसी मेथड से लगा लूँगी। इस छोटे से मैं कंकरी डाल दूँगी और उसका पॉटिंग मिक्स भर दूँगी। जिसको देखना है ना वो सुबह वाली मेरी इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लें। देखो इसमें लगाया था ये छोटे से उसमें, अब इसके फूल स्पेंड हो चुके हैं। 9 o'clock के फूल है ना शाम को वो हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और फिर सुबह वापस दूसरे फ्लावर ब्लूम करने लगते हैं। तो इस छोटे से उसमें उगा रखा है, देखो गंदा और इसको इग्नोर करना, इसमें लगाए थे मैंने इसको, और यहाँ रख दिया कटिंग्स। इसकी मल्टी कलर है, इसमें बहुत सारे कलर। अब सेम मेथड से ये भी करने वाली हूँ मैं, ये करके फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि ये मैंने सुबह वाली वीडियो में शेयर कर दिया, तो वापस बताने की ज़रूरत नहीं है कि 9 o'clock कैसे ग्रो करें। तो देखो इस तरीके से मैंने ये लगा दिया, जैसे सुबह मैंने 9 o'clock ग्रो किया था ना, सेम उसी मेथड से इसको लगा दिया। और अब इसको रख देते हैं। अभी ये 9 o'clock कब लगा सकते हो, उसको मैंने देखो इस हैंगिंग में लगाया है। अभी इसकी जब वो मेरी स्ट्रिप्स वगैरह आ गई ना, इसको ऐसे टाँकने वाली, ये देखो इस तरीके से ऐसी, तो मैं इसको इन सबको हैंग करने वाली हूँ। इसको वो छोटू सा जो सुबह लगाया उसको, अब इसको कहीं भी रख सकते हैं 9 o'clock को। अभी बारिश में भी रख सकते हैं, धूप में भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, मगर इंडोर रखोगे ना तो उसमें भी फ्लावरिंग नहीं होगी, इसलिए इसको इंडोर मत रखो, उसको बाहर रखो, बारिश में धूप में सब जगह रख दो, तो तब इसमें फ्लावरिंग अच्छे से होगी। तो उसको कहीं रख देते हैं पहले।
तो देखो सुबह से यहाँ से मैंने जो सेकंड लाइन लिया था ना, मतलब क्या कलंची हटाया था ना, उसी जगह मैं इसको भी रख देती हूँ यहाँ। ये जगह उसकी खाली हो गई है, देखो इधर रख देते हैं। इनके लिए भी हैंगिंग प्लांटर लगाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिप्स लानी पड़ेगी, यानी तो फॉल होने का सारा लुक ही ख़त्म हो जाएगा इसका। और ये यहाँ रख दिया मैंने। तो देखो इसमें अब मैं मिला रही हूँ रिवर्स एंड, इस पूरी ही मिट्टी को खाली करूँगी पहले ऐसे इस तरीके से उल्टा, और फिर इसमें रिवर्स एंड मिलाऊँगी और इसमें कुछ ग्रो करेंगे मम्मी ऐसे, क्योंकि इसमें ना सारा मेरे ख्याल से गार्डन सॉइल ही है ज़्यादातर, इसमें रिवर्स एंड मिला देते पहले। तो देखो इसमें इस तरीके से मैं मिला रही हूँ सारी ही रिवर्स एंड अच्छे से, और इसमें बाकी सारी चीज़ें हैं कंपोस्ट वगैरह ये सब डली हुई थी इस मिट्टी में, बस मैं कुछ ऐसा लग रहा था इसमें रिवर्स एंड की थोड़ी बहुत कमी हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें मिला दी जाए अच्छे से रिवर्स एंड। उसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ पहले, क्योंकि अभी रिवर्स एंड नहीं मिलाएंगे ना, तो इसमें ना अभी बारिश के सीज़न में बिल्कुल भी मत मिलाना कोकोपीट बिल्कुल भी, काउडंग केक मिला लो, अब वर्मी कंपोस्ट मिला लो, क्योंकि किचन वेस्ट तो निकलेगा नहीं, किचन वेस्ट सब जितना भी निकलेगा ना वो ख़राब हो जाएगा, ना सूखेगा ना कुछ होगा, इसीलिए आप इसके बजाय मिला सकते हैं कोकोपीट, काउडंग केक सबसे अच्छा रहता है। काउडंग केक मेरे पास रखा हुआ तो है। देखो एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, अभी आपको बताऊँगी इसको अच्छी मिट्टी बनाने के लिए। इसमें सभी सिर्फ गार्डन सॉइल है एक, मतलब रेशो आपको बता देती हूँ, इसमें 50% गार्डन सॉइल है, 50% इसमें हो गई रिवर्स एंड, ये हो गया। अब इसमें मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ, मतलब आप इसमें 50-50 से तो पूरा हो जाएगा, कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने लिया 30% गार्डन सॉइल, 30% इसमें रिवर्स एंड, अब हमारे पास बचा 40%। 40% में क्या मिलाऊँगी वो आपको बताती हूँ अभी। देखो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, जिससे हमारा एक अच्छा सा पॉटी मिक्स बन के हो जाए रेडी। तो देखो अब मैं ले आई हूँ इसमें क्या, इसमें मेरे वो जो प्याज के छिलके होते हैं ना, क्योंकि अभी मेरा बाकी सारा पॉटी मिक्स तो ऐसे मेरे पास बहुत सारा तैयार है, मगर अभी वो गीला हो चुका है, अब उसको गीले को तो मैं यूज़ में ले ही नहीं पा रही हूँ। तो अब मेरे पास ये जो था ना रिवर्स एंड तो हम गीली भी यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सौगी नहीं होती है, और मेरा जो सारा कंपोस्ट किचन वेस्ट वो सारा हो चुका है अच्छे से गीला, उसको भी यूज़ में लेंगे, वो वेस्ट नहीं हुआ है, मगर मैंने सोचा क्यों ना अपना पॉटी मिक्स एक अलग से तैयार कर लूँ। तो इसमें है ये प्याज के छिलके, जो भी मेरी वीडियोस देखता है वो उनको पता है कि मैं ना प्याज के छिलका का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, और इसी के साथ एक बात भी आपको बताना चाहती हूँ कि प्याज के छिलके या कुछ कोई भी फर्टिलाइज़र आप रेनी सीजन में मत डालो बिल्कुल भी लिक्विड वाला, क्योंकि बारिश में आपकी जितने पौधों को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना वो सब मिल जाती है बारिश के पानी से, और एक्स्ट्रा कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से मैं मेरी मिट्टी को देखो, बाकी इस तरीके से आप पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। देखो ये प्याज के छिलके हैं ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है, मतलब वैसे मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, मगर बहुत फ़ायदा करता है मेरे गार्डन में। जैसे आप सब बोलते हैं ना कि आपके गार्डन में ये देखो पौधे इतने हरे रहते हैं, आपकी पत्तियों में शाइन बनी रहती है, ये कैसे रहती है, या आपके पौधे गर्मी में, मेरे पौधे ना पूरे लगातार गर्मी में भी इस तरीके से ग्रीन बने हुए थे बिल्कुल, कोई भी पौधा जला नहीं, कोई भी पौधा ख़राब नहीं हुआ। देखो अडेनियम में कितने अच्छे से शाइन आ रही है, देखो इस तरीके से, इवन जो नया लगाया उसमें भी अच्छे से मतलब ग्रोथ हो रही है इन सब में, ये देखो ऐसे, ये देखो सारे ही पौधे में। तो मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ ऐसा केमिकल, कोई भी फर्टिलाइज़र ना मुझे नॉलेज है ना ही मैं डालती हूँ, और ब्लूमिंग भी देखो कितने अच्छे अच्छे से होती है, देखो इस तरीके से ऊपर वाले भी आप देखोगे ना, ये देखो ऊपर वाले दिखाऊँ आपको, ये सारे अच्छे से बढ़िया चल रहे हैं, ऊपर वाले भी सारे हैंगिंग यस, और ये वाले भी हैंगिंग। तो कहने का ये मतलब है कि मैं सिर्फ इस तरीके से अपना गार्डन का वो पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूँ कुछ भी, जैसे गर्मी में तो मैं यहाँ जो लू वगैरह चलती है और उससे आपके पौधों में से सारे स्प्रिंग सीजन में ही सारी पत्तियाँ वत्तियाँ झड़ती है ना, तो मैं वो काम में ले लेती हूँ, सारा गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में कैसे काम में लेती हूँ मेरे वीडियोज़ में देख लेना। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा किचन वेस्ट नीचे से लाती हूँ, जैसे निकलता रहता है हमारे अनियन पील हुआ, पटेटो पील हुआ, और बहुत सारे ऐसे हैं बनाना पील हुआ, इन सबको मैं यूज़ में लेती रहती हूँ। तो अब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, वो मेरी सारी की सारी हो चुकी है गीली, गीला पॉटिंग मिक्स, और उसको मैं यूज़ में नहीं ले पा रही हूँ। हाय रे इसमें पता नहीं क्या है। हाँ तो देखो इस तरीके से ये मैंने इसमें प्याज डाल दिया, प्याज के छिलके आप सब्जी वालों से ले आओ, पड़े रहते हैं वेस्ट ही पड़े रहते हैं उनके, तो ऐसे देते हैं, मेरे पास एक पूरा बड़ी थैली भर के है। तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अभी तो नहीं डाल रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मेरे पॉटिंग मिक्स में तैयार कर लिया जाए। और अब ये है काउडंग केक, काउडंग केक भी मेरे पास रहता है, काउडंग केक का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ जैसे कि आपको पता है। इसके अलावा मैं किस किस का देती हूँ, चावल का पानी, दाल का पानी, और ये सारी जो पोहे हमने फॉर एग्जांपल किए उसका पानी, ये सब मैं करती रहती हूँ। तो अब मेरे को याद आया क्यों ना मैं इसको और अच्छे से बना ली हूँ, इसको तोड़ना पड़ेगा, पत्थर लाती हूँ। तो ये मेरा है काउडंग केक, हाँ गया पत्थर ला रही हूँ पत्थर।
और इस तरीके से काउडंग केक जो होते हैं ना, ये काफ़ी पुराने होते हैं, मतलब जगह आप लेने जाओ ना, ये आपको मिल जाएंगे दूध वालों के यहाँ, जिन जो दूध वूध जिनके पास गाय होती है ना, उनके पास आपको ये इजीली मिल जाएंगे। और ये देखो मैंने अंदर की तरफ रख रखे थे ना, या बाहर की तरफ नहीं तो ये अच्छे से हैं सूखे, तो बस इसको मैं इस तरीके से फोड़ लेती हूँ। काउडंग केक सबसे बेस्ट है, आप बस इसको इस तरीके से डालो या उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र देके डालो, आपके पौधों में बहुत ही फ़ायदा करता है। मगर बारिश में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों को नहीं देती हूँ, सिर्फ यही देती हूँ इस तरीके से। और मेरे पास पॉटिंग मिक्स अभी ख़त्म हो गया था, मुझे कुछ एक पौधे ग्रो करने हैं, तो मैं इसका अच्छा से एक बार पॉटिंग मिक्स बना के तैयार कर लेती हूँ। इसमें क्या टाइम लगेगा, अब घड़ी में बज चुके हैं 7 बजने वाले हैं और 7:30 अंधेरा हो जाता है, तो नया प्लांट तो मैं क्या ही शायद लगा पाऊँगी, इसका पॉटिंग मिक्स ही बनाना पड़ेगा अभी मुझे। इसको और थोड़ा थोड़ा सा मैं बारीक कर रही हूँ ऐसे, तो इस तरीके से भी आप अपना ना बारिश में ना पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। इसको बिल्कुल बारीक करना है मुझे ऐसे, एक बार पत्थर से ठोक लेती हूँ फिर इसको इस तरीके से चूरा। बस काउडंग केक क्या होना चाहिए, बस याद रखना पुराना होना चाहिए काउडंग केक, है ना, कम से कम 1-1.5 साल, साल भर तो एटलीस्ट पुराना होना ही चाहिए, जितना पुराना हुआ वो उतना ही बेस्ट रहता है आपके पौधों के लिए। तो इसमें क्या मिला है मैंने आपको वापस बता देती हूँ, आप ये सोचो इसमें 20% गार्डन सॉइल थी, 20% हमारा रिवर सैंड था, 40% तो ये हो गया, 40 के बाद में हमारा आप ये मान लो 20% अगेन ये काउडंग केक हो गया, तो हमारा टोटल कितना हो गया 60%, 60 में 20% आप ये मान लो ये क्या अनियन पील हो गए हमारे, इसके अलावा और क्या है 60 हो गया, 60, 70, 80 है ना। अब मैं और क्या डालूँगी वे भी आपको बताती हूँ, ये सारी चीज़ें ना आपको इजीली मिल जाती हैं। अब मैं इसमें ना गवारिश में बिल्कुल भी मत डालना वो क्या बोलते हैं उसको कोकोपीट, तो बस मैं इसको एक बार अच्छे से बारीक बारीक कर लूँ, फिर इसमें एक्स्ट्रा और 20% जो बचा है वो क्या डालेंगे वो आपको बताऊँगी बाद में। तो उसको अच्छे से मैं पहले पीस लेती हूँ, बारीक करना पड़ेगा इसको ऐसे करके पत्थर से टोक के, और अच्छे से मैं इसको बारीक करती रहूँगी ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक बार ये कर लें फिर बाकी 20% में क्या डालती हूँ वो आपको बताती हूँ बाद में, पहले इसको गोबर को अच्छा सा कर लेते हैं। आज तो मैं कुछ ही नहीं कर पाऊँगी, आज ये हो गया मैंने अच्छे से वो सारा वो जो काउडंग केक था ना, एक काउडंग केक इसमें डाल दिया। अब बाकी ये मेरे जो मार्बल डस्ट है ना, मार्बल डस्ट क्या स्टोन डस्ट जो आपके पौधों को बहुत फ़ायदा करता है, ये पूरा गीला हो गया। ये देखो स्टोन डस्ट है, मतलब स्टोन का पाउडर जो कि कैल्शियम की कमी को पूरा करता है पौधों में। ये भी यहाँ रखा हुआ था ना, तो थैली में रखा हुआ था और पूरा हो चुका है गीला, इसको भी मैं अच्छे से इस पूरी मिट्टी में रमा देती हूँ। देखो ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे करना पड़ेगा कि ये हो जाए थोड़ा थोड़ा सा बारीक। तो स्टोन डस्ट आपके पूरे इसमें ना कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। अगर आपके पास ये ना हो ना, तो आपके गमलों में ना आधी आधी एक एक गमले में आधी आधी चौक भी डाल दोगे ना ऐसे मिट्टी के अंदर गड़ा दोगे, तो वो भी आपकी इसकी कमी को पूरा करेगा। मगर मेरे पास तो क्या स्टोन डस्ट रहता है, तो मैं उसको यूज़ में लेती रहती हूँ, क्योंकि वो हमारे क्राफ्ट में काम में आता है, बच्चों के क्राफ्ट में क्ले बनाने में और ऐसा इन सब में काम में आता है, तो मैं तो इसको फिर स्टोन डस्ट ही यूज़ में लेती हूँ। तो इस तरीके से ये डाल दिया, अब इसमें एक और चीज़ क्या डालनी है और फिर हो जाएगा हमारा पॉटिंग मिक्स बन के पूरा रेडी। वो चीज़ ढूंढती हूँ कि कहाँ रख दी, यहीं है शायद यार, यहाँ नहीं है। तो देखो ये डाल दिया, अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये हल्दी जो मैं हर उसमें डालती हूँ अपने, किसी किसी वीडियो में मैं दिखा पाती हूँ, किसी किसी वीडियो में मैं नहीं दिखा पाती हूँ, मगर ये हल्दी पाउडर ये देखो ये भी है ना, अभी बारिश में शायद गीला हो गया ये पूरा इतना सारा, और पूरा इसमें डाल रही हूँ मैं, इसको वापस भर के ले आएंगे। ये मेरी हल्दी इसमें हो चुकी ख़त्म, वापस इसको भरना पड़ेगा और पूरा इसको अच्छे से मैं मिला दे रही हूँ अच्छे से। हल्दी से क्या होता है आपके है ना पौधों में अगर कोई फंगस वगैरह या कुछ लगता है ना बारिश में, तो वो नहीं लगता है, तो मैं तो है ना फंजीसाइड के रूप में है ना, और कि आपके पौधों में कुछ कीड़ा वगैरह नहीं लगे उसके लिए तो मैं हल्दी यूज़ में लेती हूँ। अब इसको अच्छे से मिलाना पड़ेगा क्योंकि इसके ना थोड़ी थोड़ी गांठे गांठे बन गई, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें हल्दी में घट्टा हो गया और भी है ना इसमें, इसको भी यूज़ में ले लेती हूँ। तो इस तरीके से आप अपना पॉटिंग मिक्स बना के कर सकते हैं रेडी। अब मैं क्या कोई पौधा नहीं लगाऊंगी अभी यार, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, घड़ी में बज चुके 7:20, अब मैं कोई पौधा लगाने बैठी ना तो फिर वो उसका वो अंधेरे अंधेरे में लगेगा। तो एक काम करूँगी इसको मैं कहीं भर लेती हूँ ऐसी जगह जहाँ, मतलब एक बाल्टी मेरे पास खाली रखी है उसमें भर देती हूँ और उसके ऊपर अच्छे से एक ढक्कन लगा के चले आऊँगी, और सुबह इसमें कुछ कुछ पौधे लगाएंगे, और वो क्या लगाएंगे कौन से लगाएंगे वो आपके साथ में करेंगे शेयर। और हाँ, इस मिट्टी में आप कभी भी मत लगाना वो कोई भी बारिश में लगाने वाली कटिंग, ऐसी ऐसे पॉटिंग मिक्स में, ऐसे पॉटिंग मिक्स में ना जब हम कटिंग लगाते हैं ना तो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, जैसे इसमें काउडंग केक मिला हुआ है, इसमें ये गाजर का अनियन पील मिला हुआ है, और इसमें वो ये
चॉक डस्ट मिली हुई है, तो इतना हार्श मिट्टी उसको नहीं चाहिए, मतलब इतनी हैवी मिट्टी हमारी किसी भी कटिंग को नहीं चाहिए होती है। तो उसमें कोई कटिंग मत लगाओ। कटिंग लगाने के लिए बारिश में सबसे अच्छा है रिवर्स हैंड। रिवर्स हैंड में लगा दो, पानी आता रहेगा, चलता रहेगा, और उसमें ड्रेनेज होल अच्छा हो, और बस। जैसे मैंने पहले कटिंग्स नहीं लगाई थी, अभी आपको दिखाती हूँ सिर्फ रिवर्स हैंड में, और वो काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रही है, वो भी मैं अभी आपको सारी दिखा देती हूँ। तो कटिंग के लिए ये पॉटिंग मिक्स नहीं है, ये पॉटिंग मिक्स उसके लिए है कि आपका कोई प्लांटर ख़राब हो गया है, या आप उसको शिफ्ट करना है पूरा जड़ के साथ, अच्छा खासा उसमें रूट बॉल है तो उसके लिए। और कटिंग लगाना चाहते हैं सिर्फ कटिंग के लिए, तो आप सिर्फ रिवर्स एंड यूज़ में लो, और एक छोटा सा फॉर एग्जांपल डिस्पोजल ग्लास ले लो, और उसमें एक छोटा सा होल कर दो, छोटा सा क्या, अच्छा सा एक होल कर दो, और रिवर्स एंड के अंदर अपनी कटिंग लगा लो, सबसे अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि वो पानी होल्ड भी नहीं करेगी, और पानी आएगा और निकल जाएगा, और आपके पौधे को जितना मॉइस्चर चाहिए उतना मिल जाएगा। दिखाती हूँ आपको, देखो मैंने कैसे लगा रखी है रिवर्स एंड में कटिंग्स। इसको फिर मैं ढक के जाऊँगी, अगर ये गीली होगी ना तो सुबह वो भी काम नहीं हो पाएगा मेरा। देखो दिखाती हूँ आपको, ये देखो कुछ एक कटिंग्स मैंने जो इस ग्लास में लगा रखी है, देखो दिख रही है आपको, ये जीजी प्लांट की कटिंग के पीछे लगा रखी है, सिर्फ रिवर्स एंड है, रिवर्स एंड में ग्रो कर रखी है। और ये इसकी क्या है, इसका क्रेसुला प्लांट की कटिंग लगा रखी है, और कटिंग कहाँ है, और दिखाती हूँ आपको, और देखो डेविल बैकबोन की कटिंग लगा रखी है, इसी में लगा रखी है। तो इस तरीके से सारी कटिंग है, और भी कटिंग है, अभी दिखाते हैं कहाँ कहाँ रखी है मैंने कटिंग। तो ये सारी कटिंग है मेरी लगी हुई है सिर्फ रिवर्स हैंड में, रिवर्स हैंड के अलावा कुछ भी नहीं डाला हुआ इसमें। ये देखो कुछ एक कटिंग मेरी यहाँ भी है, मोगरा, और ये इसकी हारशिंगर की कटिंग मेरी यहाँ है, सिर्फ रिवर्स हैंड के अंदर, और कुछ भी नहीं है। बस होल आपको अच्छे करने चाहिए। इसमें मैंने कितने होल कर रखे हैं आपको दिखाती हूँ, ऊँचा करके देखो, ये डिस्पोजल ग्लास है, इसमें होल अगर आप देखोगे ना, एक बड़ा सा होल है, बड़ा बड़ा होल। और कटिंग के लिए सिर्फ इतने से ये प्लांटर्स काफ़ी रहते हैं। ये देखो यूफोरबिया मिली की कटिंग लगाई थी, और वो चल भी पड़ी, अभी लगाई थी शायद 10-15 दिन पहले लगाई थी। देखो उसमें ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई, पहले भी हो रही थी और उसमें वापस भी हो गई। वो वाले तो जब लगाए थे वो तो मैंने कट कर दिए थे ऊपर से, इसमें नया ग्रोथ स्टार्ट हो गई। और नीचे से देखो एक छोटी सी कटिंग भी मैंने लगाई थी, वो भी चल पड़ी, और इसमें देखो इसमें भी नीचे एक होल है, देखो देखो इस तरीके से काफ़ी बड़ा होल है। तो कटिंग के लिए सिर्फ इतना सा ये काफ़ी रहता है। और देखो और भी कटिंग्स वहाँ मेरी पीछे लगी हुई है। तो इस तरीके से आप ना अपनी कटिंग्स लगा सकते हैं। और एक आधी कटिंग और आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ मेरी ग्रो हो रही है, देखो ये भी ग्लास में, ये पीछे आप देखोगे ना इस तरीके से। तो कटिंग आप सिर्फ अगर बारिश में लगाते हैं ना तो सिर्फ रिवर्स एंड में लगाओ, बहुत अच्छे से ग्रो करती है। बस अब अंधेरा होने वाला है, अभी सारी मिट्टी को मैं कहीं भरती हूँ पहले, ऐसी जगह जहाँ ये ज़्यादा गीली ना हो। बस अभी बाल्टी है और इसमें सारी मिट्टी भर दूंगी। देखो आती है तो ठीक है, आ जाएगी यार, आ जानी चाहिए वैसे। ये सारी मिट्टी मैं इसमें भर दूंगी, लाते हैं डस्टबिन, बोलना था डस्टबिन और बोल रही हूँ उसको डस्टबिन, हे भगवान। ये देखो इस तरीके से इसमें मिट्टी भर देती हूँ। इस तरीके से अगर आप मिट्टी बनाओगे ना बारिश में तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बारिश के अलावा भी आप पूरे सीजन में इस तरीके से मिट्टी है ना काम में ले सकते हो, पॉटिंग मिक्स बना के। कोई ज़्यादा कुछ केमिकल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं लगता है। तो ये हो गई हमारी मिट्टी तैयार, और दबा दबा के भरनी पड़ेगी, भर देती हूँ इसको पहले मैं ऐसे। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। अब क्या करूँगी मैं, कल कौन सा प्लांट लगा रही हूँ, कौन सा प्लांट ग्रो कर रही हूँ, वो कल देखना आप। और तो मुझे भी कुछ नहीं पता, सोचेंगे क्या लगाना चाहिए। तो चलो ठीक है, ओके बाय।